महाराणा प्रताप स्मारक समिति उदयपुर द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री जयस नयन जी, महाराणा प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़, अमर शहीद भगत सिंह जी राजगुरु एवं सुखदेव के वंशजगण, श्रीमती निवृत्ति कुमारी जी, स्मारक समिति के सचिव श्री सतीश कुमार जी, सेना एवं प्रशासन के अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित हमारे एनसीसी के प्यारे बच्चों और भी अन्य उपस्थित गणमान्य जन, माताओं बहनों, आज बहुत ही ये सुखद अवसर है कि मेवाड़ की इस धरा पर फतेह सागर झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर मेवाड़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्मृति में बने स्मारक स्थल पर भारतीय सेना द्वारा उपहार में प्रदत्त आर्मी युवार ट्रॉफी टैंक D-55 स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बधाई समिति को बधाई देता हूँ। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज से मोती मगरी स्थित प्रताप स्मारक पर एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। यह अध्याय है भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त किए गए टैंक T-55 की यहाँ यह भव्य उपस्थिति। महाराणा प्रताप को मैं देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी योद्धा मानता हूँ। स्वाधीनता संघर्ष के वह ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए राजपाट का वैभव त्याग कर अरावली की घाटियों और दुर्गम वनों में रहना स्वीकार किया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि राष्ट्र की आजादी की शर्तों पर उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, विषम परिस्थिति में रहते हुए भी यह भी अनुभव करते हुए कि परिवार को या हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं है, घास की रोटी खाकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मातृभूमि के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जिया है। और इतना ही नहीं तो अकबर की बड़ी सेनाओं का अपनी छोटी सेना के माध्यम से हमेशा उन्होंने मात दिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे जिस तरीके से तुम आओ, तुम्हें हम अपने मातृभूमि पर किसी भी प्रकार का पद दलन नहीं करने देंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह महाराणा प्रताप की धरती है, महाराणा प्रताप की मातृभूमि है। मातृभूमि पर कोई आकर जबरदस्ती अतिक्रमण करते हुए उसको ध्वस्त करने का प्रयास करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने जीते जी इसको हम होने नहीं दे सकते। इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी दी। महाराणा प्रताप की आजादी का संघर्ष मामूली नहीं था, यह एक ऐसे राणा का संघर्ष था जिन्होंने हर मोर्चे पर मुगलों से युद्ध ही नहीं लड़े बल्कि उन्हें बार बार परास्त भी किया। पूरे 25 वर्ष वह अकबर की बड़ी संख्या में भेजी जाने वाली सेना से संख्या में बहुत कम अपने बहादुर सैनिकों के साथ लड़ते रहे, पर उनकी विरल संगठन शक्ति, छापामार रणनीति और शत्रु को बल की बजाय हतोत्साहित करते उनके पैर उखाड़ने की तकनीक ने उन्हें सदा युद्ध में अग्रणी रखा। मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करते अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा किसी राष्ट्र नायक ने हमारे देश में दी है
तो महाराणा प्रताप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। उनका उदात्त जीवन चरित्र भी साथी सरदारों को सदा प्रेरित करता रहेगा। मैं ये भी मानता हूं कि उनका संघर्ष मुगलों से नहीं साम्राज्यवाद की उस सोच से था जिसमें अकबर पूरे राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और साहस से पूरे देश में प्रखर राष्ट्रवाद का शंखनाद किया था। वह ऐसा शंखनाद था कि समाज के अंदर विद्यमान सभी सामाजिक भेदभाव को समाप्त करते हुए लोगों के अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा के दृष्टि से संबंध करने के लिए हमेशा तैयार करता रहा। एक ऐसी स्थिति थी, चाहे कोल हो, चाहे भील हो, चाहे किसी वर्ग के हो, सबने महाराणा प्रताप के इस संकल्प को प्रत्यक्ष रूप से आचरित करते हुए उसको पूरा किया जाए, इस दिशा में लोगों ने काम किया। और यही समाज शक्ति महाराणा प्रताप की प्रेरणा शक्ति थी और प्रेरणा शक्ति के आधार पर उन्होंने इस तरह का संकट देते हुए अकबर को चुनौती दिया था। ऐसे महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगई में आकर जैसे जीवंत में देखा जा सकता है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने इस संबंध में काफी कुछ कहा है, T-55 के प्रति वर्णन करते हुए किस प्रकार का यह टैंक है उसके बारे में पूरा उन्होंने वर्णन किया है। इस धरती के बारे में उन्होंने पूरा वर्णन किया है। यह धरती प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि यहां शौर्य गाथाएं लोगों के मन मस्तिष्क में घुसती रहती है। लोग अनुभव करते हैं यह धरा तो ऐसी है जिसमें वीर शौर्यशाली लोग यहां जन्मे हैं, जिन्होंने अपना सर्व अर्पण करते हुए हम अपनी मातृभूमि को किसी तरीके से अतिक्रमित नहीं होने देंगे, इस प्रकार की चिंता की है। ऐसी वो धरा है, इस धरा को मैं प्रणाम करता हूं। यह सुखद है कि प्रताप के शौर्य और उनकी वीरता को अक्षुण रखने के लिए नई पीढ़ी को उनकी गौरव गाथाओं से रूबरू कराने के लिए मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा भगवंत सिंह जी मेवाड़ ऑफ उदयपुर के कर कमलों द्वारा महाराणा प्रताप स्मारक की स्थापना हुई। आज इस स्मारक में